ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जहान निस्वा और आज हम बात कर रहे हैं मशहूर सोशल एक्टिविस्ट उषा ठाकुर से, उनसे हम बातचीत करें। उससे पहले हमारे पास कुछ यंग पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, उनके जहन में क्या सवालात हैं उनके लिए, चलिए उनसे जान लेते हैं। मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आज देश मतलब किस किस कारणों की वजह से आज हमारा देश एक आगे नहीं बढ़ पाया है, जैसे कि अभी तो ये डेवलप हो रहा है, तो ऐसी कौन कौन सी वजह है आपने अपनी लाइफ में, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ कौन कौन सी वजह थी? देखिए, सबसे पहले जो वजह है वो भ्रष्टाचार है, क्योंकि जो देश का पैसा है कुछ लोगों के हाथ में चला गया, गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा वर्गीकरण हो गया है जनता के बीच में और एक फ्रस्ट्रेशन हो गया है। अब जब ऊपर के लोगों को लोग देखेंगे कि ये भ्रष्टाचार कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो बाकी भी तो वही सीखेंगे ना। एक जैसे हमारे राजा राम थे, आप अपनी पुरानी बातों को लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उस समय सुनते हैं कि पूरा बहुत बढ़िया थी व्यवस्था, न्याय था, कानून था, सब कुछ, क्योंकि उन्होंने खुद ही जंगल जाकर एक ये स्थापित किया कि अनुशासन स्थापित किया। तो उस तरह का अनुशासन यदि हमारे बड़े लोग जो अफसर हैं, प्राधिकरण है, अफसर हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, वो कायम करें, तभी ये देश सही रूप में चल सकता है, तभी वो जो दूरियां ख़त्म हो सकती हैं, तभी जब पैसे का बराबर न्याय सबको मिले, शिक्षा का सबको मिले, अधिकार मिले, महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार मिले, उसी दिन देश आगे बढ़ जाएगा। हम अपने आप में व्यस्त हैं, हमें थोड़ा समय समाज के लिए भी निकालना होगा। जिस दिन सारी जनता एक होकर जागरूक हो जाएगी, उस दिन हिम्मत नहीं है कि कोई चोरी करे, हिम्मत नहीं है कि देश आगे नहीं बढ़े। जब एक एक व्यक्ति कुछ कार्यभार अपने सिर पर ले ले, कुछ जिम्मेदारी ले ले, कुछ बच्चों की शिक्षा का, तो तभी इस तरह के बदलाव आने शुरू होंगे। जब हम अपने आप को बदलेंगे और सोचेंगे कि ये देश हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, इसका ऋण हम पर है। जी बिल्कुल। मैम, जैसे कि डे बाई डे रेप केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है, क्या बदलाव लाना चाहिए हमें, सरकार को क्या क्या करना चाहिए उसको रोकने के लिए? देखिए, जो रेप केसेस जो हो रहे हैं उसमें सबसे पहला तो जो विज्ञापन में महिलाओं को विज्ञापन की वस्तु बनाई गई है, दूसरा तरह तरह के प्रॉन फिल्म और ये सब कई चीज़ें जो मार्केट में खुलेआम दी जा रही हैं, जिससे महिलाएँ एक माँ बहन का रूप ना होकर एक भोग की वस्तु बन गई हैं। उन्हें लोग इस तरह से नहीं देखते हैं, इस घर की बेटी है, इस देश की बेटी है, जैसे पहले लोग देखते थे। एक गांव में एक लड़की की शादी होती थी तो पूरा गांव एक एक रुपया देकर उस लड़की का विवाह बड़े धूमधाम से करता था, लेकिन आज सब अपने आप में मस्त है, क्योंकि वो जो एकता की भावना है, राष्ट्र को एक करने की भावना है, देश की भावना है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गई है। और उसका एक बहुत बड़ा ये भी कारण है कि भ्रष्टाचार जो है पूरे जड़ों में समा गया है, जो गरीब हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको कोई सुविधा नहीं प्राप्त है, उनका मानसिक, उन बच्चों का मानसिक विकास नहीं हुआ है, वो किस तरह के वातावरण में जीते हैं, पिता शराब पी के आता है, पत्नी को पीटता है, गलत काम करता है, तो वो बच्चा वही सीखेगा ना। तो हमें जो वो नीचे का जो तबका है उन्हें सही करना होगा। जिस दिन भी, जैसा कि हम गुरुकुल की शिक्षा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये देश तुम्हारा है, ये मिट्टी, ये हवा, ये पानी, इसका ऋण तुम्हें चुकाना है, उस दिन जिस दिन लोगों के अंदर आ जाएगी ये भावना कि हमारा देश है, कोई लड़की सड़क पर जाएगी तो दो लोग उसको बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे, बल्कि उसके ऊपर आँख उठाने से डरेंगे। लेकिन तो ये तो बात रही उन लोगों की जो आपने कहा निचले तबके के हैं, जहां वो देखता है जैसे फैमिली में करते हैं वैसे करता है, लेकिन हाई प्रोफाइल केसेस भी बहुत सारे सामने आ रहे हैं जहां वो एजुकेटेड हैं, जहां हो सकता है उन्हें मॉरल एजुकेशन भी दी जाती हो, बहुत अच्छे स्कूल से वो पढ़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की हरकतें और उस तरह के गुनाह वो करते हैं, तो फिर उस मेंटेलिटी को हम क्या कहेंगे? मैंने बताया ना, प्रोन फिल्म्स जो कि वही जो एक अपर क्लास है वो देखता है, जो शराब आप देखिए समर विलेज स्कूल के पास कितने साल
सालों से शराब का ठेका लगा हुआ है, उसमें एक शराब पीती हुई औरत का अर्धनग्न तस्वीर है। दादरी के कई कॉलेजेस में इस तरह की जो तस्वीरें हैं महिलाओं की, जहाँ की आए दिनों लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है दादरी के कॉलेज में, और भी कई ग्रेटर 91-92 सेक्टर में स्कूल्स हैं जहाँ महिलाओं का स्कूल जाना वो व्यर्थ है लड़कियों का, क्योंकि वहाँ बिल्कुल खुलेआम छेड़खानी होती है, पेरेंट्स कुछ नहीं करते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती है। तो मैं यही कहूँगी कि जिस दिन ये शराब के वो बंद हो जाएं, प्रोन फिल्म्स बंद हो जाएं, जैसे लड़कियों को शिक्षा दी जाती है वो आज लड़कों को देने की ज़रूरत है, ना कि उन्हें बहुत पैम्पर करने की ज़रूरत है कि वो इस घर का चिराग हैं, वो हमारी अर्थी उठाएंगे, इस घर का नाम रोशन करेंगे, तो ये ना कहकर उसको एक साधारण व्यक्ति की तरह कहना चाहिए ये देश तुम्हारा है, ये राष्ट्र तुम्हारा है, यहाँ की लड़कियाँ जो है तुम्हारी बहनें हैं, इस देश की धरोहर हैं वो महिलाएँ। जब धरोहर ही कम होने लगेंगी जिनकी संख्याएं, तो फिर ये देश रहेगा कैसे? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ग्रेटर नोएडा में भी 8-9 लाशें महिलाओं की मिली हैं और गंदी हालत में मिली हैं, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। तो जब तक कि हम ऊपर से नीचे तक बदलाव नहीं लाएंगे, पुलिस में बदलाव नहीं लाएंगे, पुलिस में भी बदलाव लाने की बहुत जरूरत है, कानून बदलने की जरूरत है, कानून हमारा वही पुराना है जिसमें कि मुजरिम को बचाने की ज्यादा योजनाएं हैं, बल्कि जो लड़की है पीड़ित उससे ज्यादा पूछताछ होती है। तो मुजरिम भी सोचता है, कोई भी गलत करने के बाद सोचता है, ओ जाने दो, हम तो सरकारी मेहमान बन के रहेंगे, केस चलता रहेगा। 16-16 साल केस चलता है तब जाके किसी को सजा मिलती है। इस केस और कानून को बदलने की बहुत बड़ी जरूरत है। जी, ये बदलाव आपको कैसे लगता है, किस तरह से बदलाव आए, क्योंकि बहुत ज्यादा बात इस पर हो रही है लगातार। अगर हम बड़े शहरों की बात करें, कम से कम वहां तो हो ही रही है, मेट्रो सिटीज में कोई केस हो जाते हैं इस तरह के तो मीडिया में बहुत ज्यादा इस पर बात होती है। एक्टिविज्म भी इसको लेकर बहुत ज्यादा हो रहा है, सोशल एक्टिविस्ट सामने आ रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर। हमने देखा जो हाल ही में यहाँ दिल्ली में हुआ, उसके बाद चेंजेस भी हुए हैं, लॉ में चेंजेस भी हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो घटनाएं हैं, जो इंसिडेंसेस हैं, वो घटने का नाम नहीं ले रही हैं। तो क्या आपको लगता है जो मॉरल एजुकेशन है, जो पेरेंट्स को शुरू से अपने लड़के को देनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं से कमी आ रही है, उसमें बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कई घरों में देखा, अभी भी मैं देखती हूँ कि अच्छी खासी कोई लड़की जो लॉ पढ़ रही होती है, घर का काम करती है, पढ़ती भी है और भाइयों से पिटती भी है जी। पूछने पर कहती है कि मेरी माँ इसमें रोक टोक बिल्कुल नहीं करती है, अगर जो मुझे पीटा जाता है, थोड़ा सा चाय देने में कमी हो जाती है, खाना देने में कमी हो जाती है, तो पिटने में भी कमी नहीं होती है और माँ कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि लड़का जो है लड़के को समझती है घर का धरोहर है और लड़की को समझते दूसरे घर की है। तो वो लड़की ना अपने ससुराल की हो पाती है, दूसरे घर की ही रह जाती है, यहाँ भी पराई वहाँ भी पराई हो जाती है। तो ये पराई की भावना खत्म करके उसको भी घर में वही स्थान देना चाहिए जो कि लड़के को दिया जाता है। लड़की को काम करने को कहा जाए तो लड़के को भी कहा जाओ तुम ये काम करो, ताकि वो बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना से ना हो कि बाद में अपनी वाइफ को डोमिनेट करे, बाहर किसी महिला को डोमिनेट करे। तो यही कारण है कि हम जो लड़के को बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं उसी से वो, मुझे लगता है इस सेंटेंस से ही उलझन हो जानी चाहिए लड़कियों को, जब ये कहा जाता है हमने अपनी लड़कियों को लड़कों की तरह पाला, ये सेंटेंस ही बहुत अपने आप में अजीब है। आप ये क्यों नहीं कहते कि हमने अपने लड़कों को लड़कियों की तरह पाला? अगर आप ये करना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि आधी से ज्यादा परेशानियां ऐसी खत्म हो जाएंगी कि आप अपने लड़कों को लड़कियों की तरह पाल रहे हैं, वो अपने लिए भी एक अच्छी दुनिया बनाएंगे और जो आने वाली उनकी जिंदगी होगी वो भी बनाएंगे। जी बिल्कुल, उनके साथ भी अच्छी तरह विनम्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे। ये विषय तो बहुत बड़ा है कि इस देश को संभालना, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इसमें अगर देखिए जितनी महिलाएं, हर एक व्यक्ति अपने जगह पर एक सेनापति की तरह खड़ा होकर सजग होकर काम करेगा, तभी इस देश का भाग्य सुधर सकता है, तभी इस देश का भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, तभी जो महिलाओं के प्रति अन्याय खत्म होगा। उषा जी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, हम अपने जो ऑडियंस है उसको ब्यूटी टिप्स देते हैं, तो आइए देख लेते हैं क्या है खास उनके लिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको स्मोकी आईज दिखाते हैं। ये देखिए, ये पहले हम आईज पे बेस पे टू वे जेल लगाएंगे, जिस पे हम कोई भी मेकअप करेंगे, ग्लिटर शैडो जो भी लगाएंगे वो इस पे काफ़ी देर तक टिका रहता है इस टू वे जेल से। अब इन्होंने ये ब्लैक कलर के
ब्लैक कलर से इनको स्मोकी आईज बनाएंगी, उसके बाद ये हम व्हाइट कलर से ऊपर हाईलाइट करेंगे आईब्रोज के नीचे। ये आईब्रोज के जस्ट नीचे हाईलाइट करने के लिए ये व्हाइट कलर यूज होता है। अब हम इसके ऊपर लाइनर लगा रहे हैं, ये जेल लाइनर है। और कोशिश करें कि जितना हो वाटरप्रूफ लाइनर लगाएं। ये हमने इनको काजल लगाया और ये तैयार। तो मुझे उम्मीद है नाजरीन आज की ब्यूटी टिप्स आपको जरूर पसंद आई होंगी हमेशा की तरह। चलिए अभी रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौट रहे हैं।